हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। एक प्राचीन मंदिर है बढ़िया में, उसी में जा रहे हैं हम लोग माता जी का दर्शन करने के लिए। और ख़ास बात यह है कि आज मेरी छोटी बेटी, जिसका नाम है शिवांशी प्रजापति, उसका मुजूठी है, यानी कि आज खाना खाएगी, तो उसको आज पूजा करा के उसे प्रसाद खिलाएंगे। देखिए कैसे सज सज के तैयार है, उसे दीदी भी है, उसके मम्मी भी, देखिए कितना खिली खिली से लग रही है। नमस्कार दोस्तों, आप क्या कर रही हो तुम? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सब जा रहे हैं मंदिर में, देखिएगा आपको दिखाते हैं मंदिर में जाके कैसे प्रसाद खाएगी। और देखिए ये संस्कृति बेटी है, खड़ा जा बेटा, बोलो राधे राधे। देखिए ये देख रही है, तुम जाओगी कुलू? हम आज मंदिर चलते हैं दोस्तों, तो चलिए साथ में आप भी हमारे साथ मंदिर घूमने। बढ़िया माता का मंदिर का नाम है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, जो बिहार के लखीसराय जिला में पड़ता है और काफ़ी मशहूर है। और ये भी बोला जाता है कि इस मंदिर में अगर किसी को सांप काट लेता है तो अगर वो उस पेशेंट को मंदिर में अगर लेके आ जाए तो वहाँ पर झाड़ फूक होता है, उससे आदमी का जान बच सकता है। तो ये इसलिए बहुत खास है, तो इसलिए आज हम लोग वहाँ चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। ताला मार रहे हैं इसके पापा, हम लोग निकलेंगे मंदिर जाने के लिए, ताला मार दे रहे हैं। देख रहे कैसे मार रहे हैं, ताला मार दिए हैं। और बेटियाँ दोनों तैयार हैं, खड़ी हैं। और हम वो पापा के बदले, हम ये वाला बैग, सॉरी मम्मी के बदले हम ये बैग लेते हैं, ठीक है भाई? हाँ ठीक है, ले लो, ये हल्का है इसलिए। तो हम लोग घर से निकल गए हैं, कैसे देख रही है ऊपर में। देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माता पार्वती का है। देखिए कितना भव्य मंदिर है, इसी साल उद्घाटन हुआ है। पहले ये पुराना मंदिर था, अभी देखिए इसके बगल में ये नया बना है। तो हम लोग इसमें दर्शन करके प्रणाम करके चलेंगे बढ़िया मंदिर घूमने। देखिए मेरी बड़ी बेटी बैग टांग ली है, मम्मी का बैग। हाँ, क्योंकि हम आपको उस टाइम बोले थे मम्मी के बदले कि हम ये मम्मी का बैग लेते, इसलिए ले लिए। और देखिए इधर संस्कृति और उसका मम्मी बड़ी खुश लग रही है। साथी हो? हाँ हाँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सब जा रहे हैं, देखिए उधर गांव का नज़ारा है, देखिए पेड़ पौधा कितना खूबसूरत है, लोग सब जा रहे हैं। और देखिए रास्ता है, रोड है, टेम्पू है, हम लोग जा रहे हैं। बहुत खुश है बेटी, आज से खाना भी शुरू कर देगी, हल्का फुल्का खाना जो भी है, प्रसाद पहले उसको खिला देंगे माता का मंदिर में। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है गांव का। देखिए दोस्तों, हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं, यहीं से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे। देखिए एक मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे गांव का भी मंदिर है। ये मेन रोड पर आ गए हैं टेम्पू पकड़ने के लिए, अभी टेम्पू आया नहीं है इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए बेटी को धूप भी लग रहा है इसलिए हम लोग छाया में जा रहे हैं। दोस्तों सुहाना को प्यास लग गया है इसलिए पानी पी रही है। देखिए दोस्तों, ये मंदिर के एरिया में हम लोग पहुँच गए हैं, ये प्रसाद को लेकर के झगड़ा हो रहा है, दाम को लेकर के, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, इसको लेकर देखिए दुकानदार लोग झगड़ा कर रहे हैं दर्शनार्थी के साथ। देखिए हम लोग फाइनली मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं, देखिए चारों तरफ दुकान सजा हुआ है, नारियल का और तरह तरह का पूजा सामग्री, देखिए दोनों तरफ दुकान लगा हुआ है। और ये हमारा सामने का मंदिर है, जिस मंदिर में हम लोग दर्शन करने आए हैं, देखिए किस तरह से दुकान सजा हुआ है। देखिए मेरी बेटी दोनों अपनी पत्नी के साथ जा रही है,
देखिए किस तरह से दुकान है। देखिए आइसक्रीम का भी दुकान लगा हुआ है, इधर पानी पूरी बिक रहा है तो मुंह में तो पानी आ रहा है, दर्शन करके आएंगे तो पानी पूरी खाएंगे। देखिए चारों दुकान ही दुकान है, इधर सिंगार का भी दुकान है। तो हम लोग दोस्तों प्रसाद ले लेते हैं दर्शन करने के लिए माता जी का। दुकान है लेडीज का, सिंगार का सामान देख रहे हैं। चूड़ी बिक रहा है, मन तो कर रहा सुहाना का मम्मी के लिए ले लूं, देखते हैं दर्शन का कहा के तो देखेंगे। देखिए दोस्तों यही है माता का मंदिर, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी। देखिए कितना भव्य मंदिर है, कितना ऊंचाई तक है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए सब दोस्त साथ सब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। प्रसाद ले रहे मंदिर में, जा रहे बिट्टू को पापा लोग पूजा कर रहे। चलो इधर से आ जाओ, उतर जाओ धीरे धीरे, चलो उतरो 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 दोनों धीरे धीरे। अगरबत्ती का फूल नीचे जाके जलाइए।
पूजा हो गया है, माता जी का दर्शन कर लिए हम लोग। हम लोग एक जगह बैठे हैं, मंदिर घूमकर सब थक गए हैं हम, इसी के लिए बैठे हैं। और देखिए छोटी बेटी को आज हम मुँह जूठी करेंगे, उसको प्रसाद खिलाएंगे। पहली बार ये आज अन्न मुँह में डालेगी, यानी कि खाना खाएगी। कितना खुश है देख रहे हैं नारियल पोड़े थे माता जी के प्रसाद। माता जी का प्रसाद है, देखते हैं अपने खाती है कि नहीं। अपने से खा रही है ये माता रानी का प्रसाद, अपने से लेकर डायरेक्ट मुंह में देखिए, अपने से प्रसाद खा रही है माता रानी। मीठा लगा, खाओ 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 खाओ। हाँ आज मेरी बेटी प्रसाद खा ली, देख सकते हैं दोस्तों। एक बार हम लोग किसी खेत में घूमने गए थे, रो रही थी कि मम्मी को आलू का पत्ता दी और चूस चूस के खा गई। संस्कृति तुम्हें प्रसाद खा रही हो, बोलो प्रसाद खा रही हो। हाँ प्रसाद ही खा रही हो। दोस्तों देखिए हमारी बेटी प्रसाद खा ली, उसका मुँह जूठी हो गया। आज हम घर पर जाएंगे तो कुछ कुछ अच्छा चीज़ बनाएंगे, खीर पूरी फ्राइड राइस कुछ खिलाएंगे बना करके। दोस्तों आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, प्रसाद खा लीजिए और दर्शन तो आप लोग कर ही लिए माता रानी का। माता जी का तो तिलक लगा देता हूँ सुहाना की मम्मी को। प्रसाद खा लेते हैं माता जी का, क्योंकि भेज प्रसाद खाने के लिए सब हम लोग साहिब हैं। सुहाना मम्मी प्रसाद निकाल के दे रही हैं। जय माता। दोस्तों आप लोग भी आइए प्रसाद खा लीजिए, माता जी का प्रसाद है। देखिए दोस्तों यही वो मंदिर है जहां हम लोग घूमने आए हैं, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। देखिए दोस्तों ये है भक्त श्रीधर सेवा श्रम बढ़िया शक्ति धाम। यहाँ से जो दूर दूर से जो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे आके रेस्ट करते हैं, यहाँ पे ठहराव करते हैं। तो आप लोग भी अगर कभी आते हैं तो यहाँ पे ठहरिएगा। देखिए कितना भव्य सेवाश्रम है, यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, कभी अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे जरूर ठहरिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग आ गए पूजा उजा करके, मंदिर से बहुत धूप था और देखिए ऐसे पापा आते हैं काम में भीड़ गए हैं। हाँ दोस्तों देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर से घूम करके और देखिए कुछ कुछ सामान लाए हैं। देखिए हम लोग लेडुआ लाए हैं, चाय के साथ दोपहर खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये भर देते हैं और ये देखिए ये पनीर लाए हैं, पनीर का सब्जी बनेगा आज, मटर पनीर। और देखिए इसमें है ये काजू है, किशमिश है, खाना पीना बनाएंगे, खाना पीने का सब सामान है इसमें बनाएंगे। और देखिए ये टमाटर है 1 किलो और इसमें देखिए ये बीन्स लाए हैं और ये कैप्सिकम है, इसका क्या बनेगा फ्राइड राइस और पनीर का सब्जी। और देखिए
ये देखिए झंगड़ी लाए हैं, ये सुहाना मम्मी को काफी पसंद है। ये हरा चना जिसको बोलाते हैं, चना लगा रहता है, देखिए बहुत मीठा है, बहुत मीठा लगता है, आप भी खा, फेवरेट है, अभी खाएंगी। और इसमें देखिए मटर सूटी है, इसका मटर पनीर बनेगा, आप लोग भी आइएगा खाने के लिए। दोस्तों बच्चे लोग टीवी देख रहे, थक गए हैं तो लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं। देखिए एक आई है अभी इधर से, आओ संस्कृति घूम के आ गई बेटा, देखिए बिस्कुट खा रही है। तुम क्या लियो मेला में से, दिखा दो तो, मंदिर में से क्या लियो? अच्छा चलो 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 चलो, अभी थक गई है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में दिखाएगी आप लोग। तो जल्दी से मांस धो लेते हैं और खाने पीने का तैयारी करते हैं, क्योंकि ड्यूटी भी जाना है इनको शाम को, तो इसी हिसाब से जल्दी से खाना पीना भी बनाना है हम लोग को, काम कर लेते हैं। हाँ हाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा खीर बन रहा है, खीर बॉयल हो रहा है, मेरा खीर इधर बन रहा है, और इधर पानी गरम चढ़ा दिए हैं। इधर देखिए बासमती राइस को भिगा के रखे थे फ्राइड राइस बनाने के लिए, भीग रहा है। मटर छील दिए हैं पनीर बनाने के लिए, और इधर देखिए गाजर है और कैप्सिकम और बीन्स है, दोनों मिक्स हो गया धोने में, काट दिए हैं फ्राइड राइस में डालने के लिए। और देखिए इधर बेटी मेरी काजू ला रही है, और देखिए ये खा भी रही है, पापा उसको दिए तो उधर खा भी रही है, काजू लाई है डालने के लिए। और उसके पापा देखिए यहाँ पे, सुहाना के पापा यहाँ पे काट रहे हैं पनीर, जलेबी पनीर काट रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी सुहाना होमवर्क बना रही है अपना, ये यूं बचे उसके बाद मैथ करेंगे, उसके बाद हो गया। हाँ होमवर्क बना है, और देखिए पूरा घर बिखरा पड़ा है, सबको साफ ही करना है। और यहाँ देखिए खाना बन रहा है, अभी सोई है, खाना बन जाएगा तो इसको खिलाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया था, उसमें गरम मसाला प्याज टमाटर डाल दिए पनीर बनाने के लिए। और देखिए पनीर भी हमारा फ्राई हो गया है, और यहाँ देखिए फ्राइड राइस के लिए चावल भी बना लिए, बहुत सुंदर खिला खिला चावल बन गया है। और खीर यहाँ पे रेडी है, तो इसमें हम थोड़ा सा खजूर गुड़ गला के रखे थे, इसको देखिए इसी में डाल देते हैं, तो कलर भी हो जाएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा। स्वाद अच्छा हो जाएगा। हमारा मसाला डाल देते हैं, पीस दिए हैं इसमें अदरक लहसुन प्याज, इसी के साथ हम भूज लेंगे। तो मसाला भून चुका है हमारा, देखिए इसमें कैप्सिकम वाला थोड़ा सा बचा हुआ था तो डाल दिए हैं, शिमला मिर्च का ये थोड़ा सा पार्ट है, और ये मटर इसी में हम पका लेते हैं, थोड़ा सा मटर को मसाला के साथ ही पका लेंगे हम, इसके साथ ही मटर को पका लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड मेरा मटर भून गया था, हम इसमें पनीर डाल दिए हैं, और पनीर भी भून चुका है अच्छे से, मटर और पनीर दोनों भून चुके हैं, मसाला भून चुका है सारा, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पानी डाल दिए हैं। इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं, जो ग्रेवी थोड़ा हम पतला ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्राइड राइस के साथ खाना है तो थोड़ा सा पतला टाइप ही रहेगा। तो फ्रेंड देखिए अब हम बड़ा सा हड़िया चढ़ा दिए, क्योंकि फ्राइड राइस भुजने के लिए बड़ा बर्तन ही चाहिए, उसी में घी डाल देती हूँ, घी डाल देती हूँ और घी जाएगा। रुको रुको हम निकाल दे रहे बेटा, संस्कृति यहाँ पे कुछ लेने आई है, देखिए तो घी मेरा गरम हो रहा है अभी, ऐसा और डाल देते हैं। हमारा घी गरम हो गया, देखिए इसमें जो हमारा ये गरम मसाला है, खड़ा मसाला, इसको हम डाल देते हैं, गरम हो गया है। गरम मसाला के बाद हम ये तेज पत्ता इसमें डाल दे रहे हैं, और देखिए ये काजू और किशमिश से इसी हम डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा
क्रंची लगेगा, जब भून जाएगा ना तो क्रंची लगता है। तो ये भूनने के बाद हम इसमें जो हमारा ये जो सब्जी है, गाजर, ये कैप्सिकम और ये बीन्स है, पहले गाजर को भून लेती हूँ इसी के साथ। इसमें हम चाहे तो मटर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ मटर पनीर बनाई हूँ, मटर का सब्जी, इसीलिए मटर नहीं अलग से बना डालूँगी इसमें। इसके पापा यहाँ पे, सुहाना के पापा कूच रहे हैं। इसमें हम मिक्स कर रहे हैं, देखिए ये गोलकी है उसमें, और चीनी है, नमक है, सबको थोड़ा सा कूट ले रहे हैं। सुहाना खिला रही है अपना बहन को। गाजर भून गया है, अब इसमें हमारा जो ये सब्जी है इसको भी डाल देते हैं। तो सबको अच्छी तरह से भून लूँगी, क्रंची होने तक इनको भूनना है हमको भी, पूरा क्रंची हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा भून चुका है, ये मसाला सभी भून चुका है अच्छी तरह से, जो भी सब्जी है और ड्राई फ्रूट सारा भून चुका है। तो अब हम इसमें जो हमारा, देखिए ये जो चावल है खिला हुआ सा, बहुत सुंदर लग रहा है, इसी में हम चावल भी डालेंगे। देखिए इसी में ऐड करेंगे, इस तरह से चावल ऐड करेंगे। और बहुत ही हल्के हाथों से इसको चलाएंगे। सबसे पहले इस पे देखिए ये जो मसाला हम है ना, गोलकी और नमक और चीनी को उसके पापा जो मिक्स कर रहे थे, ये मसाला को इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई से डाल देंगे, डाल देते हैं। और इसको देखिए बहुत हल्के हाथों से इसे चलाएंगे। देखिए चावल पर जो बचा हुआ चावल है उसको भी डालते हैं, इसी तरह से डाल रहे हैं सारा चावल हमारा। और फिर से इसके ऊपर नमक हम डालेंगे अपना, ये देखिए नमक चीनी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत टेस्टी लगता है। इसको थोड़ा देर के लिए ढाँप देंगे हम, थोड़ा सा सिर्फ ढपेंगे क्योंकि ये हो ही गया है, थोड़ा सा पाँच मिनट नहीं, दो चार मिनट और इसको इसी तरह से ढक के पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये कैसा बना है देखिए, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। फ्राइड राइस बनकर तैयार है, अब हम चूल्हा को बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों बेटिया खाना खाएगी, देखिए उसके लिए बनकर रखा हुआ है, देखिए खाना है, देखिए फ्राइड राइस बनाए हैं, खीर है, और ये प्रसाद था, और पनीर और मटर का सब्जी है। पूरी बनाने वाले थे लेकिन अब टाइम नहीं है उतना, और चलो नेक्स्ट टाइम खाएगी। हाँ देखिए उसको पापा खिला रहे हैं उसको। नहीं खा रही है। खा ली खा ली खा रही हो, देखिए उसमें कुछ काजू वजू ना जाए मुंह में। देखिए दोस्तों बेटी खाना खा ली आज, आज से इसका दाना पानी चालू हो गया। अब पापा को अपना मुंह देख रही है कि पापा क्या खिला दिया आज हमको। देखिए खा रही है, कितना अच्छा से खा रही है, देखिए 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 फ्रेंड्स कितना अच्छा से खा रही है। थोड़ा सा पनीर खिला देते हैं, छोटी खिलाएगा जी। थोड़ा सा फ्राइड राइस खिला दीजिए, खाएगी तभी ना, थोड़ा सा फ्राइड राइस खा लेगी। तो साथ निकाल दीजिए मुंह में से,
चावल जैसा है, थोड़ा सा निकाल दीजिए उसको। जूम उसको दिखा रहे थे बाबू को कैसे खा रही है, मेरी बेटी हुई थी, खा रहे थे सबको, सब फ्रेंड्स देखिए। और मेरी बेटी को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, उसको अच्छा से खाए पिए ठीक से रहे। दोस्तों आज मेरी बेटी खाना खा ली है, आज से इसका दाना पानी चालू हो गया। आप लोग मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। और देखिए कैसे चौंकी हुई है कि आज हम क्या खा रहे हैं। इधर देखिए मझली बेटी भी खुश है, इधर बड़ी बेटी भी खुश है, ये हमारी सुहाना का मम्मी मेरी पत्नी ये भी बहुत खुश है बेटी को। सब तो आज खुशी है, अपनी बेटी को खाना खिलाएगी। तो देखिए खिला देते हैं, दोस्तों खिला देती है अपनी बेटी को। देखिए खीर खा रही, खीर खा लो बेटा, खा लो खा लो। खीर खा रही हो। देखिए बड़ी खुश है, चौकी भी हुई है, हर चीज देखकर खाने का मन कर रहा था उसका, हर चीज छिनती थी खाने के लिए, आज अब खाएगी। और जब मुंह के पास लगा तो इसे पकड़ के, एक बार अंगूर हुए थे तो मुंह में ठूसने जा रहे थे तो निकाल लिए। संस्कृति तुम ही खिलाओगी? वो अपना खा रही है। संस्कृति की अपना खाना शुरू कर दी है। आजा बेटा सुहाना भी खिला दो। सुहाना दीदी तुम ही खिलाओ, बड़ी दीदी हो। देखिए सुहाना बड़ी दीदी खाना खिला रही है, उधर खसो बेटा थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। हाँ देखिए बड़ी दीदी खिला दी खाना। इसका मामा का आने का बात था दोस्तों, इसके मामा को बोला गया था आने के लिए, क्योंकि मुझूठी जो होता है मामा लोग ही अन्न खिलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया घर में, इसलिए उसके मामा नहीं आ पाए, तो हम लोग उनका गैर मौजूदगी में ही ये मुझूठी का प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कैसे खा रही है खुश होके। बेटा ये तुम भी खिला दो, मैं तुम्हें खिला दो बेटा, हाँ तुम्हें खिला दो, बाबू खिला दो। हाँ देखिए छोटी बेटी मछली बेटी खिला रही है छोटी बाबू को, और ऊपर चौकी हुई है आज हमको कैसा ऐसा स्वाद, 6 महीना से मम्मी का दूध पी रही थी, आज उसको नया नया खाना मिल रहा है, नया नया स्वाद मिल रहा है, इसलिए चौकी हुई की आज हमको क्या मिल रहा है। और पानी भी शुरू हो जाएगा अब से, पानी हो जा रहा है, गरम करके बॉयल करके ठंडा कर दिए हैं इसको, तो पानी भी पिएगी। पानी पसंद नहीं आया, मीठा खीर पसंद आया। तो दोस्तों आज हमारी बेटी का मुझूठी हो गया, आज हम लोग बहुत खुश हैं, और आप लोग मेरी बेटी को छोटी बेटी को और मछली छोटी सब जितने बच्ची लोग हैं सबको आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, नमस्कार, नमस्कार।